दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप के एक शेयर्स के बारे में, जिसमें आपको कुछ बड़ी खुशखबरी यहां पर मिल सकती है। जी हां दोस्तों, बात कर रहे हैं टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड पिछले एक महीने से कंसोलिडेशन फिगर में ट्रेड कर रहा है, जिसके कारण इसके अंदर कोई बड़ी तेजी नहीं बन पा रही है। लेकिन स्टील सेक्टर की इस कंपनी में अब कुछ बड़ी न्यूज़ यहां पर आपको आते हुए देखने को मिल सकती है जुलाई के महीने में। तो यदि आपने टाटा स्टील बीएसएल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं, तो सोमवार का दिन आपके लिए टाटा स्टील से रिलेटेड बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में जानकारी क्या है उसे जानते हैं। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि आप देख सकते हैं, टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड का लास्ट ट्रेडिंग सेशन मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है, जिसमें अगर हम बात करें इसकी शेयर प्राइस की तो 90 रुपीज, यानी कि 90 रुपए 40 पैसे का शेयर्स ने हाई बनाया। और अगर इसकी क्लोजिंग की बात करें तो एक फ्लैट क्लोजिंग हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे के दिन भी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर इसकी वॉल्यूम की तरफ आप एनालिसिस करेंगे तो इसकी वॉल्यूम अभी भी आपको यहां पर एक एवरेज में देखने को मिल रही है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान भी एनएसई में टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड की 22,94,000 क्वांटिटी ट्रेड होते हुए हमें देखने को मिली, जिसके सामने अगर डिलीवरेबल बेस काम की बात करें तो लगभग 60% यानी कि 60% के करीबन हमें यहां पर डिलीवरेबल बेस काम देखने को मिल रहा है। इन्हीं सब के बीच में अगर टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड के अगर 52 वीक के हाई की बात करें तो 11 मई 2021 के दिन हमें इसकी शेयर प्राइस 109 रुपये के करीबन देखने को मिली थी। उसके बाद से इसकी शेयर प्राइस घटकर यहां पर लगभग 90 रुपये के करीबन एक कंसोलिडेशन फिगर में काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रही है। पिछले एक मंथ का चार्ट अगर देखें तो टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड ने पिछले एक महीने में बिल्कुल भी यहां पर फ्लैट रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, यानी कि अगर आप देख सकते हैं 0.06% के रिटर्न्स यहां पर शेयर्स ने अपने शेयर होल्डर को बनाकर दिए हैं। तो कब इसके अंदर आपको एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, आइए उसे भी जान लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड को ओपन कर रखा है, जिसमें दो बड़ी अनाउंसमेंट हमें यहां पर देखने को मिल रही है। जी हां दोस्तों, सबसे पहली अनाउंसमेंट जैसा कि आप देख सकते हैं, 23 जुलाई 2021 टाटा स्टील और टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए सबसे बड़ा दिन यह होने वाला है, क्योंकि 23 जुलाई 2021 के दिन कंपनी अपने Q1 के नंबर्स यहां पर अनाउंस करने जा रही है। जी हां दोस्तों, Q1 के नंबर्स के साथ में आपको मर्जर को लेकर, यानी कि टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड को जो यहां पर टाटा स्टील के अंदर मर्जर की यहां पर न्यूज़ हमें सर्कुलेट होते हुए देखने को मिल रही थी, जो कि 1:15 के रेशो में हमें मर्जर देखने को मिलने वाला है, उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपको यहां पर फाइनेंशियल रिजल्ट वाले दिन या फिर एनुअल जनरल मीटिंग वाले दिन देखने को मिल सकती है। कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग भी यहां पर आप देख सकते हैं कि डेट आपको मेंशन करी हुई कॉरपोरेट अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगी। तो जुलाई मंथ बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है टाटा स्टील बीएसएल के शेयर होल्डर्स के लिए। साथ ही साथ यहां पर कंपनी एक शानदार Q1 के रिजल्ट अनाउंस करने जा रही है, जिसके बाद में यहां पर आपको शेयर्स के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट बनते हुए भी देखने को मिल सकता है। तो यदि आपने टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड के अंदर अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना चाहिए और टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड को अपने पोर्टफोलियो में यहां पर डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। क्योंकि अगर अभी हम यहां पर शेयर्स के RSI लेवल और MFI लेवल को भी चेक करें तो वो भी अभी हमें यहां पर मिड रेंज में देखने को मिल रहे हैं, यानी कि शेयर्स बिल्कुल भी अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, ना ही ओवरसोल्ड जोन में है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीक टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वीकली टेक्निकल रेटिंग मैंने आपके सामने ओपन कर रखी है, जिसमें अगर टेक्निकल रेटिंग की बात करी जाए तो काफ़ी बुलिश यहाँ से निकल कर आ रही है। उसके पीछे का एक ही रीज़न है यहाँ पर, वो है टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड के Q1 का नंबर्स। जी हाँ दोस्तों, पिछले एक महीने से शेयर्स के अंदर कोई तेजी नहीं बन पा रही थी, क्योंकि कंपनी की तरफ से कोई बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पर निकल कर नहीं आ रही
रही थी, लेकिन अब यहाँ पर कंपनी अपने फाइनेंशियल नंबर्स यहाँ पर 23 जुलाई को अनाउंस करने वाली है, जिसमें आपको 3 बड़े रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जिसमें 94.55 रुपये का पहला रेजिस्टेंस, 97.65 रुपये का दूसरा रेजिस्टेंस और 101.10 रुपये का तीसरा रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर टाटा स्टील BSL लिमिटेड के अंदर 100 रुपये का टारगेट यहाँ पर अगर अचीव हो जाता है तो उसके बाद में कुछ बड़ी रैली भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट 88 रुपये का, दूसरा सपोर्ट 84.55 रुपये का और तीसरा सपोर्ट 81.45 रुपये का आपको लेकर चलना है। टाटा स्टील BSL लिमिटेड के अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम को भी एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने से हमें एक ऑन एन एवरेज एक वॉल्यूम देखने को मिल रही है, लेकिन अगर इसी के अगेंस्ट आप डिलीवरेबल बेस्ड काम को देखेंगे तो वो भी हमें काफ़ी टाइम से शानदार देखने को मिल रहा है, यानी कि 50% से लेकर 60% के बीच में डेली बेसिस पर डिलीवरेबल बेस्ड क्वांटिटी उठाई जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेटल सेक्टर के लिए जुलाई और अगस्त का मंथ बहुत ज़्यादा पिक का मंथ होने वाला है, जिसमें अगर टाटा स्टील की बात करें तो डेफिनेटली टाटा स्टील भी यहां पर शानदार रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दे रहा है। और टाटा स्टील BSL लिमिटेड की भी बात करें तो यहाँ पर अभी भले ही शेयर आपको एक कंसोलिडेशन फिगर में देखने को मिल रहा है, लेकिन जब इसके अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट बनेगा तब आपको इसके अंदर काफ़ी शानदार रिटर्न्स मिल सकते हैं। कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की बात करें तो वो भी 100% यहाँ पर टाटा स्टील के फेवर में हमें देखने को मिल रही है। टाटा स्टील BSL लिमिटेड के फाइनेंशियल नंबर्स में, यानी कि क्वार्टर वन के नंबर्स में सबसे ज़्यादा फोकस रहने वाला है कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने एक शानदार परफॉर्मेंस अप्रैल, मई और जून के क्वार्टर में बनाकर दिखाई है। अब यहाँ पर रिजल्ट आने की बारी है और रिजल्ट में काफ़ी शानदार रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इसी के साथ अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने 2021 में काफ़ी शानदार दिखाया था। 2518 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया था, जो कि यहां पर अगर 2020 से कंपेयर करें तो यहां पर कंपनी ने अपने लॉस को तो रिकवर किया ही किया, साथ ही में यहां पर एक शानदार प्रॉफिट भी जनरेट किया है। चलिए बात कर लेते हैं टाटा स्टील BSL लिमिटेड के कैंडल स्टिक चार्ट्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 15 मिनट्स का कैंडल स्टिक चार्ट्स मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है, जिसमें सबसे पहले अगर डे वाइज RSI लेवल को देखें तो वो तो हमें यहाँ पर मिड रेंज के अंदर ही देखने को मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पर कैंडल्स बार्स को भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल्स ही देखने को मिल रही है, यानी कि काफ़ी शानदार खरीदी टाटा स्टील BSL लिमिटेड के अंदर कंटिन्यूसली बेसिस पर हमें देखने को मिल रही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान भी हमें काफ़ी शानदार खरीदी शेयर के अंदर देखने को मिली। तो यदि आपने टाटा स्टील BSL लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं तो 23 जुलाई 2021 के पहले पहले तक आप इस शेयर के अंदर अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर मर्जर से रिलेटेड कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से निकल कर आती है तो वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से शेयर कर दी जाएगी। तो यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।